नमस्कार मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रिय दोस्तों अभी तक आपने वृश्चिक लगन के योग कारक मारक व समग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त की आज हम धनु लगन के बारे में चर्चा करेंगे व धनु लगन के योग कारक मारक व समग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस विषय के ऊपर चर्चा शुरू करने से पहले मेरा यह आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर मिलती रहे चलिए अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और विषय को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों यह है आपके सामने एक धनु लगन की कुंडली लगी हुई है धनु लगन की कुंडली यह इसलिए हुई क्योंकि इसके पहले ही भाव में नौ नंबर लिखा है और नौ नंबर का मतलब आप सभी अब तक जान चुके हैं कि धनु राशि होता है यहाँ पर लगन पर चर्चा करने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अभी तक जितने भी विषय हुए हैं उसके अनुसार आपने राशि कितनी होती हैं और कौन कौन सी राशि हैं उनके स्वामी कौन हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हो इसके साथ ही हमारे ग्रहों के अंदर आपस में मित्रता और शत्रुता कैसे होती है यह भी जानकारी आप अच्छे से प्राप्त कर चुके हैं और इन्हीं जानकारियों को देखते हुए समझते हुए आप जब इस लगन पर या किसी भी लगन के ऊपर अप्लाई करोगे तो उस लगन कुंडली के योग कारक मारक व समग्रह हमारे सामने आ जाएंगे अब चलिए ये विषय तो आप जानते ही हैं अब हम लगन कुंडली के ऊपर चर्चा करते हैं यह धनु लगन की कुंडली है नौ नंबर यहाँ लिखा हुआ है जिस कारण से धनु राशि और धनु लगन हुआ धनु लगन के स्वामी हुए गुरुदेव गुरुदेव इस लगन कुंडली के लग्नेश बने और साथ ही शरीर और स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हुए साथ में चतुर्थ भाव का स्वामित्व भी उन्होंने अपने पास रखा जो हमारी माता भूमि वाहन और सुख सुविधा का भाव है इस तरह से केंद्र में दो स्थान एक लग्नेश दूसरा चतुर्थेश दो स्थानों का स्वामित्व गुरुदेव के पास है और लग्नेश होने के कारण गुरुदेव धनु लगन के लिए सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं और इस कुंडली में अलग अलग भावों को अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रहों को अलग अलग चीज़ों का स्वामित्व प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है द्वितीय भाव जहाँ दस नंबर लिखा है दस नंबर का मतलब हुआ मकर राशि मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव शनिदेव को इस लगन कुंडली में धन कुटुम्ब वाणी और साथ ही तृतीय भाव जहां ग्यारह नंबर लिखा है जो हमारी पराक्रम मेहनत और छोटी यात्रा का भाव है दो भाव का स्वामित्व यहाँ शनिदेव को प्राप्त हुआ है एक भाव मार्केस और दूसरा त्रिसड़ाए का भाव है लग्नेश से शत्रुता होने के कारण शनिदेव इस कुंडली में मारक की स्थिति में हैं और यहाँ पर मारक बने हैं जो अपनी दशा अंतर दशा में जातक को असुफल प्रदान करेंगे इसी श्रेणी में आगे पंचम भाव जहाँ एक नंबर लिखा है एक नंबर का मतलब हुआ मेष राशि और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल देव मंगल देव को इस लगन में हमारी संतान विद्या का भाव और साथ ही हमारा वैव बारवा भाव जहां आठ नंबर लिखा है जो कि हमारा वैव हॉस्पिटल और जेल यात्रा का भाव है दो भावों का स्वामित्व प्राप्त हुआ है एक भाव त्रिकोण में और एक भाव त्रिक में प्राप्त हुआ लेकिन लग्नेश से मित्रता और त्रिकोण में एक जो शुभ भाव मिला उस कारण से मंगल देव इस लगन कुंडली के लिए अति योग कारक ग्रह हैं जो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे इसी तरह से छठा भाव जहाँ दो नंबर लिखा है दो नंबर का मतलब है वृष राशि और वृष राशि के स्वामी है शुक्रदेव शुक्रदेव को इस कुंडली में रोग ऋण शत्रु दुर्घटना साथ ही हमारा ग्यारहवा भाव जो हमारी आय और बड़े भाई बहन का है का स्वामित्व प्राप्त हुआ है एक भाव त्रिक में और एक भाव त्रिसअाए में और लग्नेश से शत्रुता होने के कारण शुक्रदेव इस लगन कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा मारक ग्रह बने और अपना मारकत्व अपनी दशा दशा में जातक को प्रदान करेंगे आगे जो हमारा आठवा भाव है जहाँ चार नंबर लिखा है चार नंबर का मतलब हुआ कर्क राशि कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा चंद्रमा को हमारा ऑब्स्टेकल का भाव मिला और एक अशुभ भाव का स्वामित्व प्राप्त हुआ जो हमारा त्रिक भाव है आठवा जिस कारण से चंद्रमा यहाँ पर मारक की पोजीशन में आए और उन्हें इस लगन कुंडली में मारक ग्रह का दर्जा मिला जो अपनी दशा अंतर दशा में जातक को असफल प्रदान करेंगे आगे जो नवा भाव है त्रिकोण जहाँ पर पाँच नंबर लिखा है पाँच नंबर का मतलब सिंह राशि सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य देव, सूर्य देव को हमारे पिता धर्म भाग्य का स्थान का स्वामी प्राप्त हुआ है और त्रिकोण में जगह मिली जिस कारण से और साथ ही लगने से मित्रता होने के कारण सूर्य देव इस लगन कुंडली के लिए अति योग कारक ग्रह बने और अपनी दशा अंतर्दशा दसां में जातक को सुफल प्रदान करेंगे दसम भाव जहाँ हमारा छ नंबर लिखा हुआ है छ नंबर का मतलब हुआ कन्या राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं बुधदेव बुद्धदेव को इस लगन कुंडली में हमारा दसम स्थान हमारी आजीविका साथ ही सप्तम भाव जो हमारा दाम्पत्य सुख है का दो स्थानों का स्वामित्व प्राप्त हुआ है बुद्ध देव यहाँ लग्नेश के मित्र हुए क्योंकि बुद्ध देव बुद्धि के कारक हैं और गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं जिस कारण से यहाँ पर जो हमारी अष्टम द्वादश थ्योरी है वो काम नहीं करती है और इस लगन कुंडली में बुधदेव लग्नेश के मित्र होने के कारण और अष्टम द्वादश थ्योरी अप्लाई ना होने के कारण केंद्र में जगह मिलने से बुद्धदेव इस लगन कुंडली के लिए कारक ग्रह की स्थिति में आए और अपनी दशा दसा में जातक को सुफल प्रदान करेंगे इस तरह इस लगन कुंडली के लिए अगर हम देखें तो योग कारक ग्रह की स्थिति में सबसे पहले आए गुरुदेव फिर मंगलदेव उसके बाद सूर्य देव और बुद्ध देव चार ग्रह इस लगन कुंडली के लिए कारक हैं योग कारक हैं साथ ही मारक की स्थिति में हैं शुक्रदेव चंद्रदेव व शनिदेव जो जातक को अपनी अपनी दशा दशा दसां में शुभ और फल प्रदान करेंगे दोस्तों आज हमने धनु लगन के योग कारक मारक व समग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त की यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी जानने योग्य है कि जब भी हम लगन के योग कारक मारक व समग्रह के बारे में जानते हैं तो उस स्थिति में यहाँ यह बात हमें वैसे पता होनी चाहिए कि मारक ग्रह तो हमेशा अपनी दशा अंतर दशा में जातक को मारकत्व प्रदान करते हैं या अशुभ फल प्रदान पर्दा, प्रदान करते हैं लेकिन अगर योग कारक ग्रह भी कुंडली में अपनी स्थिति अनुसार बुरे भावों के अंदर चले जाएं या अपनी नीच राशि में आ जाएं, तो वह भी योग कारक की जगह मारक स्थिति में आ जाते हैं जैसे किसी भी योग कारक ग्रह का संबंध अगर छः आठ बारह भाव के साथ हो जाए या अपनी नीच राशि के साथ वह संबंध बना ले तो योग कारक ग्रह भी उस लगन के लिए अशुभ फल प्रदान करते हैं यह हमें अच्छे से याद रहना चाहिए और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें जातक की पत्री का अध्ययन करना चाहिए या उसको कुछ भी बताना चाहिए धन्यवाद